दोस्तों, मैं आपके सामने फिर आज एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा फोर्ड की फीगो के एक बहुत ही यूनिक फीचर के बारे में। जैसे कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं इस आपके स्क्रीन पे दिख रहे इंफोटेनमेंट के बारे में, ये स्टीरियो, ये इंफोटेनमेंट जो फीगो के नॉर्मली हर मॉडल में आता है, टाइटेनियम प्लस वेरिएंट को छोड़ के। जो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट आता है उसमें सीडी प्लेयर भी होता है, उसमें सीडी प्लेयर के साथ साथ यहाँ पर एक एमआईडी ऊपर डैशबोर्ड पे स्क्रीन दी होती है, जिसमें ब्लोअर स्पीड और माइकी का फीचर, माइकी के फीचर के साथ में और काफी सारी इंफॉर्मेशन वो शो करता है। लेकिन जब से ये टाइटेनियम प्लस वेरिएंट डिसकंटिन्यू होता है एज पर द इंफॉर्मेशन थ्रू द सेल्स मैन ऑफ द शोरूम्स, आपका टाइटेनियम ऑप्शनल आता है 6 एयरबैग के साथ में, और नॉर्मली टाइटेनियम वेरिएंट ही ज्यादातर सेल होता है। टाइटेनियम वेरिएंट के बाद में अब जो वेरिएंट निकाला फोर्ड ने, वो वेरिएंट है आपका स्पोर्ट्स। और इस स्पोर्ट वेरिएंट के निकालने पर अभी जो इसकी थोड़ा सा जो भी स्पोर्टियर ड्राइवर थे, जो ड्राइवर प्लेजर चाहते थे, ड्राइविंग प्लेजर चाहते थे, वो सारे लोग स्पोर्ट्स वेरिएंट को पिक कर रहे हैं। और अभी जल्दी ही फीगो ने क्या एक नया अपग्रेडेड वर्जन के फ्री स्टाइल के नाम से फोर्ड ने लॉन्च करने का एक नया न्यूज जल्दी से अभी सुनाया है, और कुछ अपडेशन नॉर्मली फेसलिफ्ट आया फोर्ड की इको स्पोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये इंफोटेनमेंट हटा करके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दिया, अपने ट्रेंड वेरियंट से ही देना शुरू कर दिया है। उस ट्रेंड वेरिएंट में 6.5 इंच, ट्रेंड प्लस में 6.5 इंच, और टाइटेनियम प्लस में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फीगो की बात की जाए, तो फीगो का अभी कोई ऐसा फेसलिफ्ट का न्यूज या कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया कंपनी की तरफ से, और जो भी उम्मीद कर रहे थे, जो लोग होप कर रहे थे, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक नया आपका अपग्रेडेड फेसलिफ्ट आएगा फीगो का, तो उनके सामने एक फ्री स्टाइल नाम का ये अपग्रेडेड अलग नाम से ही फीगो की एक नई फेसलिफ्ट आ गई। तो मुझे तो नहीं लगता कि फीगो का कोई भी फेसलिफ्ट आएगा, और अगर आएगा तो काफी खुशी की बात होगी। लेकिन हम बात जिस आज वीडियो के जिस मैटर के बारे में कर रहे थे, वो मैटर आपके सामने है हाउ टू इंस्टॉल टच स्क्रीन। हम इसमें टच स्क्रीन का यूज कैसे कर सकते हैं? जनरली तो एक आपके पास सिस्टम है, एक तरीका है कि आप इस पूरे सेटअप को निकलवा करके, ये पूरा सेटअप निकल जाएगा, और इस जैक को निकलवा करके इसमें टच स्क्रीन इंस्टॉल कराइए, जिसका खर्चा 20,000 रुपए के आसपास, 20 से 25,000 रुपए के आसपास आ सकता है, और वारंटी का भी इशू हो सकता है। लेकिन आपके पास एक ऐसा बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जिसे बहुत कम लोग शायद जानते हैं, खासकर जो अदर ब्रांड के होल्डर्स हैं और जो रिव्यूअर्स हैं, जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि इसमें टच स्क्रीन का यूज नहीं किया जा सकता, एक इंफोटेनमेंट नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, एक बहुत ही अच्छा मैं आपको ये न्यूज देना चाहता हूं, मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहता हूं दैट यू कैन यूज टच स्क्रीन ऑल्सो इन योर एग्जिस्टेंस फोर्ड फीगो, आइदर इफ दिस इज ट्रेंड टाइटेनियम और टाइटेनियम ऑप्शनल और स्पोर्ट्स वेरिएंट। मींस अगर आपका एम्बियंट से ऊपर कोई भी वेरिएंट है, चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे ट्रेंड हो, तो आप उसमें टच स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव गॉट दिस यूनिक फीचर दैट इज कॉल्ड फोर्ड माई डॉक। ये एक माई डॉक नाम का ऐसा सिस्टम दिया हुआ जिसमें आप अपने सेलफोन को होल्ड कर सकते हैं। अब अगर सेलफोन होल्ड कर सकते हैं, तो उसके होल्डिंग से आपके टच स्क्रीन से क्या लेना देना, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इसमें किस प्रकार से टच स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माई डॉक होगा जो एक जैक की तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वैसे इसमें आपको देखेंगे आप तो एक ऑक्स का जैक दिया होगा और एक यूएसबी का, जैसे कि मैं केबल लगा करके रखा हूं, यहाँ पर एक केबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे चार्जिंग के रूप में, या फिर चार्जिंग के साथ साथ आप इसे नॉर्मली अपने स्टूडियो प्ले के साथ म्यूजिक प्लेइंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। पर आप इसे यूज कर सकते हैं एक टच स्क्रीन के रूप में, आप यहाँ पर अपने फोन को बस आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर अपने फोन लेके जाएंगे, आपको सिर्फ अपने फोन को यहाँ पर बने हुए जैक में होल्ड करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने फोन को यहाँ पर होल्ड करेंगे, ये एक आपका मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले वाला पूरा टच स्क्रीन बन जाएगा। मेरे फोन की साइज थोड़ी सी बड़ी है जो मैं यहाँ पर करंटली यूज कर रहा हूँ, लेकिन 5 इंच के स्क्रीन वाले जितने भी फोन आते हैं, वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं। और फिर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से, जैसे कि मेरा फोन कनेक्ट है ब्लूटूथ के थ्रू, आप देख सकते हैं मेरा फोन फोर्ड बीटी के साथ में मेरा फोन कनेक्ट है, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ, और ये फोर्ड ब्लूटूथ के साथ में मेरा फोन चूंकि कनेक्ट है, तो मैं इसे यूज कर सकता हूं किसी भी गाने के प्लेइंग के लिए। मैं यहां से जैसे गाना प्ले करूंगा, जो भी गाना बज रहा होगा वो गाना,
मैंने गाने को पास किया और गाना पास हो गया। आप कोई भी वीडियो इसमें देख सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। काफी समय पे ऐसा होता है कि आपको कभी कभी वेट करना पड़ता है, और आप जब वेट करते हैं तो आपको इंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए होता है जिससे आप अपने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट पे देख सकते हैं। जैसे कि आज की मॉडर्न किसी भी गाड़ी में टच स्क्रीन आता है तो आप उसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, उसमें सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, काफी इंजॉय कर सकते हैं। लाइक दैट यू कैन ऑल्सो इंजॉय, आप इसमें भी इंजॉय कर सकते हैं एक तरीका। तो मैंने यहां पर खोला अपनी वीडियोस की लिस्ट, आप इसमें अपनी वीडियोस की लिस्ट को ब्राउज कर सकते हैं। लैंडस्केप मोड में सिर्फ आपको लगाना होगा जा करके। आप जैसे ही अपने फोन को यहां से लैंडस्केप मोड में लगाएंगे, आपको लैंडस्केप मोड में लगा करके ये जो प्रोटेट और लैंडस्केप मोड होता है, ऑटो रोटेट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका ये फोन पूरा 5 इंच 6 इंच का टच स्क्रीन बन जाएगा। आप इसमें जाएं, कोई भी आप मूवी प्ले कर सकते हैं अपने रेस्ट टाइम में। ड्राइविंग के समय ये प्ले होता है, लेकिन प्लीज मेरी आपको एडवाइस है कि आप इसे ड्राइविंग के समय प्ले ना करिए, क्योंकि ये आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, आपका बार बार वीडियो पे ध्यान जाएगा, जो कि काफी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और खासकर बड़े डेंजर हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो आप एंटरटेन कर सकते हैं। आप थिएटर का मजा ले सकते हैं इसमें। जनरली आप बैठ करके, खासकर अगर आप रात में इस वीडियो को देखेंगे या रात में आप ऐसे अपनी मूवी में, आप किसी भी मूवी को अगर रात में ऐसे एंजॉय करेंगे तो आपको बिल्कुल थिएटर स्टाइल का बिल्कुल मजा मिलेगा। 5 लोग आराम से बैठ के कोई भी मूवी इसमें देख सकते हैं। जैसे आप घर पे देखते हो, घर पे देखने में आपको फोन को होल्ड करना पड़ता है हाथ में, आप इसको नॉर्मली जैक में लगा करके कार में देख सकते हैं। वाइल्ड ड्राइविंग, वाइल्ड वेटिंग, कहीं भी किसी जगह पे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ड्राइविंग करते समय, आप ना देखिए, क्योंकि ये आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप बैक जाकर के कोई भी और भी वीडियो बजा सकते हैं, जैसे कि मैं ये गाना प्ले कर रहा हूं। जनरली आप किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं और नॉर्मली टच स्क्रीन का पूरा मजा इसमें ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, वो ये होगा, तो वीडियो के बारे में, वीडियो प्लेइंग के बारे में जानकारी लेने के बाद में अब मैं आपके दिमाग में भी बात आ रही होगी कि जैसे कि और कंपनी के टच स्क्रीन में आप यूज कर सकते हैं, नेविगेशन का सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऑटो को क्या इसमें आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यू कैन ऑल्सो नेविगेट थ्रू योर फोन। आप अपने कार को नेविगेट कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। आपको उसके लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसे एंड्रॉइड ऑटो बोलते हैं, अगर आपका एंड्रॉइड सेल फोन है। और अगर आपका iOS से रिलेटेड सेल फोन है तो आप एप्पल कार प्ले डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे फोन में ये यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो आता है, एंड्रॉइड ऑटो आने के बाद में ये मुझे नेविगेशन की लिस्ट दिखाता है। यहाँ पे 3 सिंबल आपको मिलेंगे, सबसे ऊपर म्यूजिक प्ले का, कॉलिंग का, नेविगेशन का। ये सिंबल एग्जिट करने के लिए होगा। यहाँ से अपने फोन के आपको काफी डिटेल ले सकते हैं, सेटिंग्स अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वाईफाई, ओके गूगल डिटेक्शन, मान लीजिए आपका ओके गूगल चल रहा है तो मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ गूगल को। आप यहाँ से अपने ओके गूगल को डिटेक्शन को ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद में आप ड्राइविंग करते समय आप ओके गूगल बोल करके अपने फोन के जो भी आपको एंड्रॉइड ऑटो से रिलेटेड जो भी आपको कमांड देना, वो कमांड आप दे सकते हैं। ड्राइविंग करते समय गूगल मैप्स और एंड्रॉइड ऑटो को आप यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और आपको मान लीजिए किसी भी जगह पर जाकर के, मान लीजिए अगर आपका आप ओके गूगल डिटेक्शन नहीं, तो सिर्फ आपको इस यहाँ पे बने हुए ये माइक को टच करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस माइक को टच करेंगे, माइक को टच करने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट आप कोई भी कमांड दे सकते हैं अपने फोन को। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ एंड्रॉइड ऑटो की मेन स्क्रीन पे, और यहाँ से मान लीजिए मुझे नेविगेशन को यूज करना है। मैंने ये बटन जैसे क्लिक किया, नेविगेट मी टू लखनऊ, नेविगेटिंग टू लखनऊ। मैंने जैसे ही वॉइस कमांड दिया, ये एक्सेस करता है डायरेक्टली मेरे ऑन योर वे टू लखनऊ, देयर इज द यूजुअल ट्रैफिक, द रूट वाया नेशनल हाईवे 927 एंड पडेरा रायबरेली रोड इज द फास्टेस्ट।
मेरे को ये नेविगेट कर देता है और आप इसे कभी भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। Head southeast on National Highway 927 towards National Highway 730. As another company में टच स्क्रीन होता है उसी प्रकार का टच स्क्रीन का आप इसमें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वही नेविगेशन का अंदाज, वही तरीका आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कॉलिंग करना हो, आप इस बटन पे जाते हैं, इस बटन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको जाना होगा, कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर जा करके आपको डायल करना है और कॉन्टेक्ट नंबर से आप डायरेक्टली डायल कर सकते हैं वॉइस कमांड के थ्रू। अगर वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर में है तो आप डायरेक्टली वॉइस कमांड के थ्रू आपको उस कॉन्टेक्ट का नाम बोल करके डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ से कॉलिंग बटन आपको दबाना होगा और आपको कॉलिंग होने लगेगा। वेलकम टू जियो। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ से म्यूजिक प्ले भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने क्लिक किया म्यूजिक प्ले पे और इसके बाद में आपको म्यूजिक प्ले बटन क्लिक करने के बाद में आप यहां से गाने को प्ले करेंगे, जो भी आपका सॉन्ग चल रहा होगा वो आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा। नॉर्मली कोई भी सॉन्ग आप किसी भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। एक बार बस इसे आवश्यक है, जरूरी है कि आप इसे एक बार सिंक कर दीजिए। हम तेरे बिना जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा है और प्ले करते समय मैं डायरेक्टली इसको अपने स्टीरियो माउंटेड ऑडियो कंट्रोल से मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। कोई भी आपका साउंड चल रहा हो, कोई भी गाना चल रहा हो, ये गाना प्ले हो रहा है और आप देखेंगे मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया और यहाँ से उधर सॉन्ग चेंज हो गया। तो आप इस बटन से भी जो आपकी स्टेरिंग पे दी हुई है आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने सॉन्ग को चेंज करने के लिए। मतलब पूरी तरीके से आप एक टच स्क्रीन का यूज कर सकते हैं इस इंफोटेनमेंट के थ्रू, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन को। तो मेरे द्वारा ये जानकारी देना आप सब लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, उम्मीद करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप प्लीज कमेंट में आप लोगों को जो भी बताना है वो आप कमेंट में अपनी बातें कहिए, आप अपने पॉइंट्स को लिखिए, आपको जो वीडियो के बारे में अच्छा लगा, जो बुरा लगा, इवन किसी भी वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो आप बताइए। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एंड आई डोंट वांट टू गिव यू द एडिटेड वीडियो, माय इंटेंशन इज टू गिव यू द नेचुरल वीडियो एज बीइंग अ रेगुलर कस्टमर, एज बीइंग अ सिंपल कंज्यूमर ऑफ द कंपनी। मेरा सिर्फ इरादा रहता है आप ही की तरह आपको एक जानकारी देना। मैं किसी भी वीडियो को एडिट करके नहीं दिखाना चाहता और इसीलिए प्लीज अगर कोई भी आपको कमी मेरे बोलने में या कभी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको वीडियो में नजर आती है तो प्लीज आप उसे लिखे, लेकिन अब्यूसिव लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, ऐसे आप शब्दों का प्रयोग प्लीज मत करिए, क्योंकि आप ही के फैमिली मेंबर्स जब कभी ऐसे देखते हैं, आप ही के फ्रेंड्स आपकी कमेंट्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये शोभनीय नहीं है, दैट इज नॉट एज अप टू द रिमार्क। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने कमेंट दीजिए लेकिन ऐसे नहीं जो कि किसी को हर्ट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।